नमस्कार दोस्तों, मैंने बताया था कि बारिश के मौसम में अपना छत का रूप का बहुत लीकेज सीपेज का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो वो मिस ना करें। अभी ये भी मैंने कहा था कि और दो चीज़ें और भी रहती है रूप के वाटरप्रूफिंग के लिए, तो आज मैं सेकेंड वन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दूसरा जो मेथड रहता है दोस्तों, वो वाला ये है कि आपको सबसे पहले रूप में पूरा क्लीनिंग करना है, पूरा चिपिंग वगैरह करवा के, मतलब खड्डा 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 करने का है पूरा पूरे रूप के ऊपर। वो करने के बाद पूरा उसको वॉश करना है अच्छे से, जो अपना बोरिंग का पानी रहता है या फिर ट्यूब रहता है, ट्यूब से एकदम स्प्रेशर वाली जो नली रहती है उससे पूरा साफ कर लेना है। उसके बाद में आपको देखना जरूर है कि वहाँ पे कुछ धागे वगैरह जो स्लैब कास्टिंग के दौरान या फिर जो शादी घोटाई आपने किया होगा पहले से, तो उसमें कुछ है तो नहीं ना धागा दौरा वगैरह, तो ये चीज़ सब कुछ देखना है, कोई तार बाइंडिंग वायर वगैरह उसका मुंह बाहर तो नहीं आया। तो ज़्यादातर यही से ज़्यादा आपका लीकेज का प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि वो खींचता है पानी अंदर। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका, पूरा चिपिंग करवा लिया आपने स्लैब को, क्लीनिंग कर लिया, तो उसके बाद में फिर उसको अच्छे से प्रेसर से क्लीन भी किया, मतलब वो जो भी आपका चिपिंग करते समय मिट्टी बना होगा उसका बारीक बारीक सा, तो वो पाउडर वो भी निकल जाएगा प्रेशर की मदद से, वो भी साफ हो गया। उसके बाद में आपको सिंपल करना क्या है कि आपको सिंपल से एक वाटरप्रूफिंग का अच्छे वाले जिस ब्रांड पे आप भरोसा करते हो या फिर आपके यहाँ पे चलता बहुत है कोई भी कंपनी का, अपने को सिर्फ रिजल्ट का लेना देना है। अगर रिजल्ट आपको अच्छा मिल रहा है किसी केमिकल से, वही केमिकल आप यूज़ करो, एक हाथ मार लो उसको, मतलब जैसे कि प्लस में करते हैं एक हाथ ऐसा, तो एक हाथ ऐसे मारते ना अपन, तो ऐसा एक हाथ मार लो, वन साइड हो गया, फिर दूसरी साइड मार लो। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल से मोटर मतलब क्या, आपका रेती सीमेंट और जो भी बॉन्डिंग केमिकल रहेंगे उसमें आपको जो यूज़ करना है वो वाला मिला के, ये हो गया आपका मोटर। तो वो आपको पूरा एक लेयर बना देना है उसको, 3 इंच का, 2 इंच का किया तो भी चलेगा, मतलब आपके पास अगर एक्सेस मटेरियल पड़ा है तो 3 इंच का कर लो आप, या फिर स्लैब का भी थिकनेस आपको देखना है, अगर कमज़ोर है और उसके ऊपर लोड ज़्यादा आप दे नहीं सकते हो तो 2 इंच का ही लो। तो 2 इंच का आपका सीधा सिंपल सा भी मोटर आ गया है। मोटर यानी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सीमेंट रेती और कोई भी आपको बॉन्डिंग केमिकल जो भी डालना है उसमें वो डालिए, नहीं डाला तो भी चलेगा। मोटर सिंपली आपका वाटर सीमेंट और रेती, इससे ही मोटर बन जाता है, मतलब मसाला। तो मसाला 2 इंच का आपने उसके बाद में फेर लिया पूरे रूप के ऊपर। उसके ऊपर रहता है क्या दोस्तों कि ईंटें रहती है अपनी, जो जिसका अपन ब्रिक वर्क करते हैं, वॉल्स जो बनाते हैं, तो सीधी ईंटें, तो आपका जो ईंटें है उसको अच्छे से मतलब आपको रचना है राउंड में, ऐसा राउंड बनना चाहिए, मतलब एक ईंट अगर यहाँ पे रखी, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ऐसा राउंड बनना चाहिए उसका डिज़ाइन। तो इसी मुताबिक आपको पूरा रूप पे ईंटें रखनी है। उसका ध्यान रखना है दोस्तों, उसका जो ऊपर वाला स्टैम्प रहता है ना, वो स्टैम्प मारते हैं ईंट के ऊपर, तो वो वाला हिस्सा ऊपर की साइड में होना चाहिए, उसका भी रीज़न मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो आपने ऐसे राउंड डिज़ाइन में पूरा ईंटें बिछा दिया अभी सब वो मोटर के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो अभी होगा क्या, दूसरे दिन वो ईंटें जम जाएगी, क्योंकि आपने मोर्टर के ऊपर रखा था ना, हर एक ईंट तो नहीं जमेगी लेकिन थोड़ा बहुत वो उसको पकड़ लेगी। तो ईंट क्या करता है, वो उस पोजीशन में ईंट पूरे दिन में या फिर पूरा जो रात भर आप रखते हो तो, या फिर एक आधा दिन रख देना है उसको, तो ईंट क्या करती है, अंदर वाला मोर्टर का पूरा पानी खींच लेती है जितना हो सकता है उतना, और उसको बॉन्ड होता है सीमेंट की मदद से, उनका अटैचमेंट हो जाता है। तो ईट रखने के बाद जब आपका दूसरा दिन या फिर तीसरा दिन आएगा तो पूरा सूखने देना है उसको, पानी भर के रखना है उसको, एक दो दिन तो रखना रख दीजिए दोस्तों उसको, वैसे पानी भर के छोड़ना है लेकिन तुरंत नहीं भरना है, क्योंकि आपका मोर्टर अभी जमा नहीं है, तो एक दिन उसको जमने को लगेगा, एक दिन पानी भर के रखना है आपको। फिर आपका अगर वो पानी पूरा सूख जाता है जो आपने ईटों में भरा था अभी सेकेंड डे के बाद में, तो वो पानी पूरा निकालने की कोशिश तो करना ही है अपने को, लेकिन निकलेगा नहीं, क्योंकि पूरा वाटरप्रूफिंग के टाइम में क्या करते हैं हम लोग, पूरा ऐसा पॉन्डिंग कर देते हैं, पॉन्डिंग कर देते हैं ना पूरा कि पूरा मतलब वाटरप्रूफिंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो टेस्ट करने के लिए हम लोग
पूरा पॉन्डिंग बना देते हैं उसको। तो अभी वहाँ पे वो पानी के एक जगह बना लीजिए जहाँ पे आपको फिर से एक मोटर बनाना है, वही मोटर जो रेती सीमेंट और जो भी आपका बॉन्डिंग केमिकल हो ना डाले तो भी चलेगा, लेकिन डाले तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो मिक्स मोटर मतलब मसाला आपको फिर से बनाना है, और जो आपने डिज़ाइन बनाया था गोल 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 अभी ईट का, तो वो गैप गैप रहते हैं ना, गैप छोड़ना है। अगर मैं पिछले थोड़ा पीछे जाके बोल नहीं पाया होगा तो अभी बोलता हूँ, तो आपको पूरा गैप उसका मसाले से भरना है, पूरा भर देना है, पूरा सरफेस आपको भर भर देना है। ईंट के ऊपर ज़्यादा माल नहीं चाहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच इतना ही आपको माल वहाँ पे चाहिए होता है ईंट के ऊपर। तो इस हिसाब से आपको पूरा सांधा बिंदा भर देना है ईंट का। ईंट का सांधा भरने के बाद में जैसे कि मैंने बोला कि आपको आधा इंच सिर्फ माल ऊपर लाना है, सांधा भरने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक दिन उसको छोड़ देना है और ज़्यादा बॉन्डिंग करने के लिए। फिर रहता है सिर्फ उसका ईंटे का जो छापा बोला था मैंने आपको कि जो सिक्का मारते ईंट पे जो नाम वगैरह रहता है वो वाला हिस्सा ऊपर के बाजू में आपको रखना है। तो वो वाला हिस्सा अभी हम भरेंगे, आधा इंच ऊपर आएगा रखना है आपको मोर्टर, यही चीज़ मैंने अभी बोला था आपको। तो वो एक दिन के बाद में सांधा भरने के दूसरे दिन आपको वो प्रोसेस करना है। तो वो क्या होता है, वो जहाँ पे आपका स्टैम्प रहता है ना ईंट के ऊपर, तो उसमें माल जाके बैठता है, तो वो भी बॉन्डिंग कर लेता है, वो एक अलग से एक लेयर बन जाता है। तो सेकंड डे सांधा भरने के बाद में ज्वाइंट फिलिंग के बाद में सेकंड डे आपको फिर से वो एक लेयर बनानी है मोर्टर की, और वो आपकी फिनिश लेवल रहेगी। तो आपको ध्यान जरूर देना है वहाँ पे कि ये वाला स्लोप कहाँ जाएगा, कौन से जगह पे जाएगा, पहले भी सोचना है ये चीज़ का। जब आप सिंपली हैचिंग करते हैं स्लैब को और जब ईंटें रचना शुरू करते हैं तब भी आपको ये चीज़ सोचना होता है। उसके बाद में जब आप मसाला डाल के उसके ऊपर ईंटें रखेंगे जो गोल गोल राउंड राउंड डिज़ाइन में, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है। अभी उस टाइम भी आपको स्लोप सोचना है, और जब फिनिशिंग का टाइम आएगा तभी भी आपको स्लोप का मतलब आउटलेट के बारे में ज़रूर सोचना होता है। राउंड राउंड डिज़ाइन इसलिए होता है दोस्तों, आपका स्लैब के ऊपर का जो भी पानी है अगर बाय चांस किधर लीकेज भी रहता है तो ईंट से ईंट पानी खींचने का काम करती है, ये एक टेक्निकल रीज़न है उसका, इसलिए वो उसी हिसाब से आपको बनाना होता है ताकि पानी ऊपर के ऊपर अगर थोड़ा बहुत रहता है तो ऊपर ही के ऊपर घूमता रहे ताकि अंदर जाने का चांस ना रहे। और अंदर जाएगा भी कैसे, क्योंकि अपन ने जो स्टेप्स की। अब आपका फिनिश लेवल हो गया है आधा इंच, जो आपका फिनिश लेवल का जो लेयर था मोर्टर का मसाले का वो अभी ऊपर आपने बिछा दिया है, बल्कि स्लोप के मुताबिक बिछाया है। जहाँ पे आपको स्लोप चाहिए, जहाँ पे आपका आउटलेट होने वाला है, जहाँ से आपका ड्रेन जो बारिश का पानी स्लैब के ऊपर गिरने वाला था टेरेस के ऊपर, वो जहाँ पे जाएगा बाहर पाइप के मदद से या फिर कोई भी डक्ट के मदद से, तो आपको वहाँ पे स्लोप करके उसको फिनिश कर लेना है। तो इसमें होगा क्या, कहीं पे जहाँ से स्लोप आ रहा है वहाँ पे थोड़ा हाइट ज़्यादा रहेगा लेयर का, 3 इंच रहेगा या 4 इंच रहेगा, जैसे आपके यहाँ पे कंडीशन है बारिश का वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इतना लेना चाहिए उतना लेना चाहिए, कुछ नहीं है। आपका बजट और आपका यहाँ पे सिचुएशन इसके हिसाब से कर देना है दोस्तों। तो आपका स्लोप में आपने कर लिया, अभी वो फिनिश होने के बाद आपका वो काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको करना क्या है, उसके ऊपर डोरी रहता है रस्सी, रस्सी के मदद से आपको टाइल जो अपना फ्लोरिंग रहता है ना, फ्लोरिंग जो बिठाते हैं अपने घर के अंदर टाइल्स वगैरह अपन लगाते, स्क्वायर स्क्वायर में डिज़ाइन बनता है, जॉइंट टू जॉइंट सांधा वगैरह रहता है, उसी तरह से आपको रस्सी को पूरा स्लैब पे पकड़ना है, ये लाइन ये मतलब ये फेस से वो फेस तक रस्सी को मारना है ऐसा लकड़ी की मदद से, मतलब वो फिनिश लेवल के ऊपर। अभी तक आपने वो काम छोड़ा नहीं, सिर्फ फिनिश करके छोड़ा था, अभी थोड़ा सा वो सेट होने से पहले आप दोस्तों अभी अपना फिनिश लेवल चालू है। तो फिनिश लेवल में होता क्या है कि अपना आधा इंच का मैंने वो जैसे कि बोला था वो लेयर अपने को लेना है वहाँ पे मोर्टर का मसाले का।
अभी सिर्फ ध्यान यही रखना था अपने को पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक कि अपने को स्लोप देना है, कहीं तो भी पानी निकालना है, जो भी बारिश का पानी स्लैब पे गिरेगा तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहिए, जमना नहीं चाहिए उसके ऊपर। तो यही कंसर्न अपने सामने रख के हम लोग क्या करेंगे फिनिश लेवल पे, कहीं पे अगर वहाँ जहाँ से स्लोप लेना है और जहाँ पे स्लोप एंड करना है, जहाँ पे स्लोप एंड होगा वहाँ पे एक एक आधा इंच से कम आएगा, थोड़ा सा 10 mm या 12 mm लेयर आएगा, लेकिन जहाँ से स्लोप लेके आ रहे वहाँ पे 3 इंच भी आ सकता है, 2 इंच भी आता है, 2.5 इंच भी आ सकता है ना, ये हाइट ज़्यादा है, ये हाइट कम है, तो यहाँ से ऐसा 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 स्लोप होके आएगा ना, तो ऐसे सब जगह पे आपका जो आउटलेट रहेगा सभी से आपको स्लोप दे के लाना है। अभी आपने स्लोप दे दिया, केमिकल मार दिया, एक मार लेना है फिनिश में, इतने से बहुत आपको फर्क होगा, मतलब आपका जो लीकेज का प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगा फिर भी, लेकिन एक ब्रश मार लेना है, चांस छोड़ना नहीं है। तो आपका वो फिनिश हो गया, अभी फिनिश होने के बाद क्या करना है दोस्तों, 1 घंटे तक मतलब जो भी अपने वर्कर्स लोग रहेंगे उनको खाना बिना खाने के लिए छोड़ देना है। ये कोई टेक्निकल वगैरह ऐसा चीज़ें नहीं रहती, यहाँ पे कहीं किताबों में नहीं मिलने वाली, तो छोड़ देना है इसलिए क्यों, या फिर गैप देना है या फिर रेस्ट देना है, थोड़ा सा वो जो अपना फिनिश बना है ना उसको थोड़ा सेट हो देना है। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है तो आप तुरंत बाद सेट होने के मतलब तुरंत बाद आपका फिनिश होने के बाद आप उनको जो करना है वो कर सकते हो, जो कि आगे बोलने जा रहा हूँ मैं। तो आगे की स्टेप क्या रहती है, थोड़ा सा सेट होने के बाद तो रस्सी रहती है, डोरी, जो डोरी कम से कम अपना 5-6 mm का रहना चाहिए कम से कम, और आप 10 mm का भी रस्सी ले सकते हो, ठीक है, डायमीटर में। तो आपको ये फेस से ये फेस तक पूरा रस्सी पकड़ना है, दो बंदे एकदम बिल्कुल सीधे लाइन में रस्सी पकड़ेंगे, एक बंदा पूरा लकड़े की मदद से वो रस्सी ठोकता ठोकता आएगा। हो गया क्या, आपका प्रॉपर सेट नहीं हुआ था ना, फिनिश किया था आपने और थोड़ा बहुत सेट करके छोड़ा था, होने का मतलब थोड़ा सेट होने का आपने वेट किया था, तो वो रस्सी ठोकने से होगा क्या दोस्तों, वो रस्सी का पूरा नक्शा उसके ऊपर आ जाएगा, आएगा ना, तो वो खाँचा बन जाएगा, मतलब ग्रूव बनेगा लेकिन रस्सी का साइज का। तो ऐसे ऐसे रस्सी आप पूरे आड़े आड़े में पूरा मार लेना है, एक बार खड़ी में भी मार लेना है, मतलब प्लस में स्क्वायर स्क्वायर बनाने के पूरे, जैसे टाइल का फ्लोरिंग का अपना रहता है ना जॉइंट अपन मिलाते, लेकिन यहाँ पे रस्सी का अपन टाइल जैसा डिजाइन मार ले, ठीक है, स्क्वायर 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 बनेंगे सब लोग, कुछ रस्सी ऐसी आएगी कुछ रस्सी ऐसी मारना है। तो एक 2x2 का भी मार दिया, उससे कम मार सके तो बहुत अच्छा है, 2x2 का मारो स्टैंडर्ड है। तो वो रस्सी मारने से होता क्या है कि आपका जो पूरा पपड़ी एक एक जैसा पपड़ी नहीं रहता है वहाँ पे आपका मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है, जो दो बोल जैसे अपन घोटाई करते तो जो देखो पपड़ी एकदम चिकनी पपड़ी रहती है तो फट जाती है, क्रैक होती है, इसकी मदद से क्रैक नहीं होता है आपका स्लैब। ये प्रोसेस का एक नाम है, लेकिन स्टार्ट में मैंने ये प्रोसेस का नाम क्यों नहीं लिया पता है, जबकि वीडियो चालू होता है ना जब भी अगर मैं बोल दूँ ना वो कि ये प्रोसेस का ये नाम है, तो कुछ बंदों का ऐसा लगता है ये तो मुझे पता है, वो वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन अंदर वाली इतनी सारी चीज़ें थी जो कि आपने अभी देखा, आपने वो जाना अभी कि कितना अलग अलग चीज़ रहता है, सिर्फ पढ़ाई या फिर कुछ स्टेप्स अपने को पता होने से कुछ नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है जो कि किताबों के बाहर भी रहती है। तो इसलिए मैं ये लास्ट में बताने जा रहा हूँ, ये प्रोसेस का नाम होता है ब्रिक बैट कोबा गोटाई, कोई ब्रिक बैट भी बोलेगा कोई ब्रिक बैट कोबा बोलाएगा, तो इसका पूरा नाम रहता है ब्रिक बैट कोबा गोटाई। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो कुछ किसी भी एजुकेशन पे नहीं रहता है, मेरा वीडियो रहता है आपको प्रैक्टिकली सही क्या है और करना क्या है साइड पे, उसी के बारे में मेरे वीडियो रहते हैं। तो जुड़े रहिए रहिए मेरे चैनल के साथ में, अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं बहुत ही जल्दी, यही के बारे में, यही रूप का तीसरा स्टेप और भी क्या होता है और किसी तरह मतलब, और तीसरी जो प्रोसेस रहती है वो प्रोसेस भी मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।